हेलो एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमें लीडरशिप। तो लीडरशिप पढ़ाने से पहले एक आप इस डायग्राम पे नज़र मारे। यहाँ पे ये बॉस ऑर्डर देता है और यहाँ पे ये लीडर है आपका। ये जो ये बंदा है ये आपका लीडर है, ठीक है। तो लीडर खुद भी काम करता है, इज इट क्लियर। इसे देख देख के ये भी काम कर लेते हैं, ठीक। इसके ये फॉलोअर्स, ये ख्याल रखना कि लीडर और बॉस, ये डायग्राम मैंने रखी है यहाँ पे ताकि थोड़ा बहुत आप डिफरेंशिएट कर सके कि मैनेजर और लीडर क्या होता है, ठीक है। अब चेक कीजिए आप, नाउ लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप अगर हम लफ्जी मतलब देखें, आप जो आपके अंडर है उन पे आप असर डालते हैं, आपकी बातों से उन पे असर पड़ता है। लीडरशिप इज द प्रोसेस हूज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंस मीन्स असर डालना, आपकी बातें वर्कर्स पे असर करती है, तो इट मीन्स आप लीडर है, ठीक है। लीडरशिप इज द प्रोसेस हूज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर। आप किसी ह्यूमन बिहेवियर पे असर डालते हैं। तो व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन एस्पेक्ट क्या है, लोगों पे असर डालना। Is it clear? और ये असर जो होता है ना, by the leaders on his followers या group members towards the realization of specified goal in a given situation. Now here we will talk of Pakistan and the current prime minister is Shahbaz Sharif. लेकिन लोग ज्यादातर follow किसे करते हैं? Imran Khan को. So you can say Imran Khan is the leader and Shahbaz Sharif is just a manager. ठीक है, नो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। ओके, मैं कहता हूँ कि ये इन्फ्लुएंस, ये जो असर है ना, ये असर कौन डालता है? ये असर एक लीडर डालता है अपने फॉलोअर्स पे ताकि वो अपना मकसद हासिल कर सके। इज इट क्लियर? ओके, एक इंसान को कब होगा दूसरे इंसान पे असर, उसकी बातें कब असर डालती है? A person is said to have an influence over others when they are willing to carry out his wishes. जो वो कहता है लोग करते हैं, and accept his advice, guidance and direction. ठीक है, एक लीडर को अपने फॉलोअर्स पे कब होता है असर, कब ये असर डालता है? जब इसके फॉलोअर्स इसकी एडवाइस की रेस्पेक्ट करें, इसकी बातों की रेस्पेक्ट करें, जो इसकी गाइडेंस है वो फॉलो करें। इज इट क्लियर? ओके, ओनली सक्सेसफुल लीडर्स, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं ना, आर एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीफ्स ऑफ द फॉलोअर्स। जाहिर सी बात है। अब दस वी कैन से दैट लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे असर डालते हैं। और जो असर डालता है, द पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, उसे आप कहते हैं लीडर। क्या कहते हैं? लीडर, याद रखना ये। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होता है कि आपकी बातें, आपकी एक्शंस लोगों पे असर डालती है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई यू कॉल दिस एज अ लीडर। Is it clear? Now, Indian, let's talk of Indian cricket team. Indian cricket team में fitness का standard उतना अच्छा नहीं था, जब उनका captain, जो कि उनका leader बना, वो himself, he was the example कि नहीं ये तो इतना fit है, that was Virat Kohli, ठीक है? तो बाकी members ने उसे follow करना start किया। So यही होती है leader की खासियत। Okay? Now, this was leadership. Most important question, what is leadership? Now, another term is styles of leadership. Styles of leadership. Style क्या होता है? ये leader कौन सा तरीका adopt करता है? Styles of leadership का मतलब क्या है? ये leader कौन सा तरीका अपनाता है? देखिए, कोई होता है autocratic. Autocratic का मतलब, अगर आपने ये नहीं किया, याद रखना, मैं आपको मार दूंगा. That's called autocratic. मैं आपको job से निकालूंगा. That's called autocratic. दूसरा होता है democratic. डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो जो कहता है मुझे बताइए हम क्या करें, आप मुझे बताएं हम एग्जाम कब दें, सैटरडे देंगे, कोई नहीं सैटरडे देंगे, सो मैंने आपको कंसल्ट किया, ये कंसल्ट नहीं करता, ये कंसल्ट करता है। तीसरा, लेजिस फेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल कि नहीं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं ना
वो बहुत नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज है, वो बहुत क्वालिफाइड है, वो काम खुद कर सकते हैं। यहाँ पे लीडर सिर्फ बैठता है, कुछ नहीं करता। यहाँ पे जो इसके फॉलोअर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है। अब यही हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक। डायग्राम पे नजर अब डालिएगा। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, कुछ नहीं सुनता। अगर आप एरो देखेंगे ना, यहां पे एरो देखेंगे आप, इट इज वन वे कम्युनिकेशन, इट इज नॉट टू वे कम्युनिकेशन। ये सिर्फ ऑर्डर डालता है, ऑर्डर देता है कि नहीं काम करना है और करना है, ठीक है। अब ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है? इन दिस स्टाइल मैनेजर डायरेक्ट्स एंड डिटरमाइंस टोटल वर्क। मैनेजर डायरेक्शन देता है और बताता है टोटल वर्क क्या है, ठीक है। द एम्प्लॉइज डू व्हाट दे आर टोल्ड। जो इसके अंडर है ना, वो वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है, वो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग, इट इज वन वे कम्युनिकेशन। जो सबऑर्डिनेट्स है वो उन्हें कंसल्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये लेजी है, इसीलिए तो ये वर्क है। इज इट क्लियर? अब इंफॉर्मेशन के लिए, व्हेन द लीडर्स मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट्स बिहेवियर इज थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन। जब ये असर डालता है लोगों पे थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन अगर नहीं करोगे जॉब से निकालोगे, तो उस डर से वो काम करते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। जब एक लीडर नेगेटिव मोटिवेशन, यू नो नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब है कि अगर जॉब नहीं किया, अगर ये काम नहीं किया मैं जॉब से निकालूंगा, अगर आपने लर्न नहीं किया मैं आपको डीसी दूंगा, सिंपल, ठीक है। दिस व्हाट यू कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। तो उस लीडर को आप कहते हैं स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑन द अदर हैंड इफ द मोटिवेशन स्टाइल इज पॉजिटिव, हम कहते हैं आप कीजिए मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए, आप कीजिए मैं आपको दूंगा ट्रॉफी, आप पोजीशन लाइए मैं आपको दूंगा बाइक, लेट इट बी, ठीक है। तो उसे आप कहते हैं बेनिवोलेंट ऑटोक्रेट। बेनिवोलेंट ऑटोक्रेट, याद रखना बेटा, दो टर्म्स आ गई। जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं ऑटोक्रेटिक में थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन, तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। जब आप पॉजिटिव मोटिवेशन से, पॉजिटिव मोटिवेशन समटाइम्स वेरी गुड, आप मेरे स्टूडेंट हो, आई फील प्राउड, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। तो उस लीडर को क्या कहते हैं? बेनिवोलेंट ऑटोक्रेट। इज इट क्लियर? तो ये ऑटोक्रेटिक क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है बेटा, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल आप याद रखें, कंसेप्ट रखें आप, ठीक है। ये सिलेबस में अभी नहीं है आपको, व्हाट इज लीडरशिप वो है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे याद रखिए कि आप कि एक मैनेजर जो है ना, या एक टीचर, वो क्यों ऑटोक्रेट बनता है? उससे बच्चे डरते हैं सवाल करने से, बच्चे डर जाते हैं सवाल करने से, इट मीन्स उसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो जानबूझ के यही मेथड अप्लाई करता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती है। अगर बच्चे उसे क्वेश्चन करने लगे तो जो उसकी लिमिटेशन है ना वो बाहर आएगी, इसीलिए वो स्ट्रिक्ट रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सुपीरियर्स एडॉप्ट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जस्ट टू हाइड देयर इनकम्पिटेंस। मतलब असल में वो लीडर के लायक नहीं होता है, मैनेजर के लायक नहीं होता है, उसे कुछ नहीं आता, लेकिन जैसा उसका जो बिहेवियर है वो बहुत खतरनाक है, हर कोई उससे डरता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। वो क्यों ये बिहेवियर अडॉप्ट करता है? ताकि लोग उससे क्वेश्चन ना करें, लोग उससे क्वेश्चन ना करें, बात समझना, लोग उससे क्वेश्चन ना करें, तो उसकी लिमिटेशन है ना वो मत बाहर आएगी। जब लोग क्वेश्चन करेंगे और उसे आंसर देना पड़ेगा तो उसकी लिमिटेशन तो बाहर आएगी ही आएगी। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। द सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है? आप वर्कर्स को कंसल्ट करते हैं, या जो आपके अंडर है उससे आप कंसल्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप काम करते हैं। इन दिस स्टाइल मैनेजर कंसल्ट्स द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर क्या करता है? सबऑर्डिनेट को कंसल्ट करता है और फिर टोटल वर्क डिटरमाइन करता है, कितना काम हमें करना है। देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेट करते हैं। इज इट क्लियर? खुशी खुशी, ख्याल रखना, यहाँ पे लीडर है, दिस इज योर लीडर, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर एक के साथ ही बात करता है, कंसल्ट करता है, फिर उसके बाद बताते हैं काम क्या करेंगे। इज इट क्लियर? और इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। क्या है ये?
टू वे कम्युनिकेशन। सो आप समझ आए डेमोक्रेटिक में क्या होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि आप बात करते हैं वर्कर्स के साथ कि हम हमें क्या करना है, कैसे करेंगे, उन्हें कंसल्ट किए करते हैं आप। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, वो क्या था, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक। और इट एज्यूम्स दैट द एम्प्लॉयज आर कैपेबल, यहाँ पे एज्यूम आप करते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उन्हें आएगा, ठीक। दिस एंश्योर्स बेटर मैनेजमेंट वर्क रिलेशन, हाई मोरल एंड ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज योर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। एंड थर्ड वन इज लेसिसफेयर लीडरशिप। देखिए लेसिसफेयर लीडरशिप में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मैनेजर के अंडर काम करते हैं, वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। लीडर कहता है मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करेंगे। इज इट क्लियर? सपोज मेरे अंडर करते हैं वो 8, 9, 10th के टीचर्स, मैं उन्हें नहीं बताता क्या करना है बिकॉज वो बहुत क्वालिफाइड है, वो PhD होल्डर्स है। तो मैं उन्हें क्या डायरेक्शन दूँ, उन्हें पता है ना हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। सो मैं यहाँ पे कुछ इंटरफेयर ही नहीं करता, जस्ट मैं आता हूँ, मतलब 1-2 महीने में बच्चों से बात करता हूँ, कैसा चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड लेसिसफेयर लीडरशिप। तो यहाँ पे देखिए द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लेसिसफेयर इज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। हेंस अ फ्री रीन लीडर, इसका दूसरा नाम है फ्री रीन, ठीक है, इज वन हु गिव्स फुल फ्रीडम टू हिज फॉलोअर्स टू एक्ट। ये फुल फ्रीडम देता है अपने फॉलोअर को, नहीं आप काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे, आप ऐसे ही काम करें, ठीक है। तो ही डज नॉट डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स, ये उन्हें डायरेक्शन नहीं देता है, क्यों देगा जब वो क्वालिफाइड है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता है, हिज MSc फिजिक्स, मैं उसे क्या बताऊं कि आप क्या नॉलेज देंगे। सो मैं तो MCOM हूँ, आई एम जस्ट अ मैनेजर, ठीक है, मैं उसे बताता हूँ आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ाइए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देयर बाय गिविंग देम कंप्लीट फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, वो उन्हें कंप्लीट फ्रीडम देता है। दिस इज लेसिसफेयर, ओके। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सूटेबल व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड नॉलेजेबल, ये तब हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब वो क्या होंगे, नॉलेजेबल। इज इट कौन होंगे नॉलेजेबल, सबऑर्डिनेट्स। और ख्याल रखना बेटा, अगर आपने इंटरफेयर नहीं किया और आपके सबऑर्डिनेट्स क्वालिफाइड नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये तब लगता है जब आपके सबऑर्डिनेट्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, ये तो डिलीट हुआ है ये क्वेश्चन, व्हिच इज लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, जस्ट मैं पढ़ाऊंगा, आएगा मत कभी। एक लीडर में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इंटेलिजेंस। A leader should be intelligent enough to examine the problems in the right perspective. वो intelligence का मतलब ये नहीं कि नहीं इसने revolt of 1857 learn किया वो intelligent है, नहीं, मतलब जो real problem है उसे देखना। तो एक leader intelligent बहुत होना चाहिए कि market में क्या चल रहा है उसे उसके बारे में पता होनी चाहिए। Second one is sound health, याद रखना बेटा, sound health ना ही ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला। साउंड हेल्थ, nowadays everybody is fitness free, ठीक है, अच्छा गुड लुकिंग साउंड हेल्थ, मतलब हेल्थ में अच्छा होना चाहिए ताकि इसके जो फॉलोअर है वो उसे देख सके। इज इट क्लियर? थर्ड वन सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको बताता हूँ पाकिस्तान का सक्सेसफुल कैप्टन आफ्टर इमरान खान, दैट इज सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को क्यों कैप्टनसी छीन ली, उससे क्यों छीन ली गई, क्योंकि उसने एक गलती की। मैच चल रहा था, उसने खुद से पहले वहाब रियाज को भेजा, उसे लगा कि वहाब रियाज हिट मार रहा है, तो आपका काम क्या है। इज इट क्लियर? तो उसे खुद पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ अलबत्ता उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी, वो ग्रुप को इकट्ठे चलाता था अच्छे से, लेकिन उसके पास एक कमी थी कि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि उसे कैप्टनशिप से गिराया गया। क्लियर? ओके, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल इनफ, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कहे कि ये काम करो कल करेंगे तो खुद नहीं आएगा, नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो उसके पास वो जिम्मेदारी के लायक होना चाहिए, ठीक, उसके पास वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। नाउ द इनिशिएटिव, कोई भी काम करना है सामने आए, खुद का स्टार्ट करें, इनिशिएटिव, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओनली सक्सेसफुल लीडर्स जो है ना, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वही तो, जब आपको नहीं आएगा अपनी बात कहनी तो आप कैसे लीडर बन सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, द लास्ट वन इज टॉलरेंस, उसे
बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं ना, कभी वो तेज कलाम करते हैं, ठीक है, वो एक टेम्परमेंट होना चाहिए उसे कि कभी वो थक गया तो उसे वो टेम्परमेंट होना चाहिए कि मुझे इस वक्त काम कैसे करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ वॉट इज लीडरशिप और उसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने क्या पढ़ा है, लीडरशिप और स्टाइल्स ऑफ लीडर्स, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में ऑटोक्रेट आपने पढ़ा, डेमोक्रेटिक पढ़ा और लेसर स्फेयर पढ़ा, ठीक है। ये तब तक रखिए आप अपना ख्याल।